ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों एक बार फिर से हमारे चैनल चमकती किस्मत में। वेद पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों हम हर दिन आपको अपनी वीडियो के जरिए कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जिन्हें अपने जीवन में अपनाने से आपको आपके कार्यों में सफलता मिलती है, रुके हुए काम बन जाते हैं, और यदि आपके जीवन में कोई आर्थिक समस्या है या कोई भी परेशानी है तो वह भी इन उपायों के जरिए धीरे धीरे समय के साथ सही होती चली जाती है माता रानी के आशीर्वाद से। दोस्तों हम आप सब लोगों की अच्छे जीवन के लिए माँ गर्जिया देवी से प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग अपने परिवार के साथ एक अच्छा जीवन यापन कर पाएंगे। दोस्तों आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। घड़ी को पुराने समय से समय के देखने के लिए, समय को समझने के लिए उपयोग में लाया जाता है, लेकिन घड़ी को भी किस दिशा में किस जगह पर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए जानना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि घड़ी का असर आपके घर में बहुत सकारात्मक या नकारात्मक असर डाल सकता है। दोस्तों तो हम आपको जो वीडियो मैं बताने जा रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, लेकिन जिससे पहले हम आगे बढ़े हम आपसे कहना चाहेंगे यदि आप पहली बार हमारे चैनल चमकती किस्मत पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि जिन लोगों को भी ये जानकारी नहीं है वह भी इस जानकारी को हासिल करके इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों अब अपने विषय पर पुनः वापस आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। घड़ी ना जीवन बल्कि घर का भी एक अहम हिस्सा होती है। शायद आप लोग यह नहीं जानते होंगे कि घड़ी भी शुभ और अशुभ संकेत देती है। सही दिशा में लगी घड़ी आप लोगों को बुरा वक्त भी बता सकती है, वहीं रुकी हुई या बंद घड़ी आपकी तरक्की में समस्या बन सकती है। इसलिए आज हम आपको घड़ियों के बारे में ये महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले। पहला, वास्तु के अनुसार घर में मौजूद पुरानी या खराब घड़ी घर में नकारात्मक ऊर्जा लेके आती है, यानी कि नेगेटिविटी। इससे घर के लोगों के मन में बुरे विचार आते हैं, इसे तुरंत आप हटा दें या सही कर दें। दूसरा, घर में तरह तरह यानी प्रकार प्रकार की घड़ियां रखने से घर की पॉजिटिव एनर्जी पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। धातु की घड़ी को घर की कभी भी पूर्व दिशा की दीवार पर ना लगाएं। तीसरी बात है, घर में कभी भी टूटी घड़ियों को घर में जगह ना दें। इसके साथ ही बंद घड़ी या टूटी हुई घड़ियों को भी घर से आप तुरंत बाहर निकाल दें, घर में इनका रहना ही बहुत नकारात्मक असर डालता है। चौथा, अगर आपके घर में रुपयों पैसों की अलमारी या फिर तिजोरी के पास बंद घड़ी लगी हुई है तो वह घड़ी तुरंत हटा दें। बंद घड़ी धन रखने की जगह पे लगी हो तो धन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। पांचवा, बच्चों के कमरों में आप घड़ी लगाएं। बच्चों के कमरे में घड़ी लगाने से उन्हें समय की अहमियत का एहसास होता है और बच्चों के कमरे में घड़ी लगी होने से पॉजिटिव एनर्जी भी बढ़ती है। छठी बात है कि घर को आप कभी भी अपने प्रवेश द्वार पर, यानी कि जहां से घर का मुख्य दरवाजा हो, एंट्री होती हो, वहां आप घड़ी को कभी ना लगाएं। ऐसे स्थान पर घड़ी का होना जहां से दूसरे लोग आते ही लोगों की नज़र सीधे घड़ी पे पड़े अशुभ माना जाता है, इसलिए घड़ी को कभी मुख्य द्वार पे या प्रवेश द्वार पर ना लगाएं। दोस्तों अगर ये वीडियो और इसमें दी गई महत्वपूर्ण जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल चमकती किस्मत को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हम आप लोगों के लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी वाली वीडियोस लाते रहेंगे। अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय माता दी, धन्यवाद।